सबके साथ बोल रहा हूँ यशनील वाशने। और आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप कई बार, जैसे मैंने आपको पिक्सल लैब से भी बताया कि आप थंबनेल बना सकते हो, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आता है पिक्सल लैब में कि जब आप अपना फ़ोटो लगाते हो उस थंबनेल में तो उसका बैकग्राउंड इरेज करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आता होगा दोस्तों। मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताता हूँ जिससे आप अपने पिक्चर्स के पीछे का बैकग्राउंड गायब कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर हम गए, बैकग्राउंड इरेजर आपको सर्च कर लेना है ना। जब आप बैकग्राउंड इरेजर सर्च करोगे तो आपको ये वाला मिलेगा, बैकग्राउंड इरेजर बीजी रिमूवर, है ना। हमने इस मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, आप चाहो तो इसे इंस्टॉल कर सकते हो। देखो अभी मैं इस पर ओपन पर क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड इरेजर ये ओपन हो रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे और ओपन कर लोगे। तो यहाँ पे आप पहले ही ऊपर फोटो का एग्जाम्पल देख सकते हो, ये जो गर्ल है इसके पीछे का सारा बैकग्राउंड एक सीजर से कट कर दिया गया है, कुछ ऐसा ही होगा। सबसे पहले आपको इसमें क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर हमने क्लिक कर लिया है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैंपल के लिए मैंने ये वाला ले लिया फोटो, है ना। देखो अभी ये फोटो एआई पर हमने क्लिक कर रखा है अभी, है ना। ये अपने आप ही एआई पर ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब हम एआई पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ये हो जाएगा फोटो का बैकग्राउंड, फोटो का सारा बैकग्राउंड देखो अभी आपका यहाँ पे गायब हो चुका है। अगर आपको कुछ इरेज करना है वैसे ही फोटो के बैकग्राउंड गायब होने के बाद, जैसे इसकी आँख है, अगर आपको आँख इरेजर इरेज करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना पूरा आप मतलब कर सकते हो इरेज ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ये डॉग की फोटो हमने अभी कर ली है, एआई का मैंने आपको बता दिया, इरेजर का भी बता दिया। ये पॉइंट है, अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हो तो ये ऑफसेट वाला कर दो, अगर इसको नहीं लाना है तो ऑफसेट वाला इनेबल मत करो, सिर्फ इरेजर रखो। साइज आप इसका साइज वाले कॉलम्स की लाइन से छोटा बड़ा कर सकते हो, है ना ऐसे। रिपेयर, अगर आपने जो बैकग्राउंड रब करा है उसमें से आपको कहीं से भी बैकग्राउंड वापस ला रहा है, जैसे मान लो बाय मिस्टेक जब ये बैकग्राउंड इरेज करता है तो कभी कभी ना, जैसे किसी किसी ह्यूमन का अगर आप बैकग्राउंड इरेज करते हो इससे, तो कभी कभी उसका पैर या तो दिखता नहीं है या फिर उसके हाथ गायब हो जाते हैं। तो अगर आपको वापस लाना है तो रिपेयर पर क्लिक करो और ये वाला गोला आपका आ जाएगा, इससे आप बैकग्राउंड में जो भी वापस लाना चाहते हो वो वापस ला सकते हो। कभी आप सोचो कि बैकग्राउंड इरेजर का क्या काम है ना, इस तरह से अगर ये ठीक ही नहीं हो सकता तो, लेकिन ये हो सकता है। ऑटो, ये आपका थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, बड़ा छोटा साइज़ में देखने के लिए, देखो ये आपका यहाँ पे ये पूरा गायब हो गया। इसके मैजिक, मैजिक भी ये सब इरेजर की तरह ही होते हैं, बस फर्क ही होता है सब थोड़ा सा अलग अलग टाइप का इरेज करते हैं, वरना तो ये सब इरेजर की तरह ही होते हैं। जैसे हमने डॉग का बैकग्राउंड गायब कर लिया तो टिक पर क्लिक करेंगे, ये डॉग का बैकग्राउंड है, इसे बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हो आप, ऐसे बड़ा कर लिया। अगर इसका फेस आपको इस तरफ की जगह दूसरी तरफ लगाना है, मेरे फेस की तरफ मुझे जैसे इसका फेस लग रहा है तो मैं ऐसे रख दूँगा। देखो ऐसे इसको हम मूव करा सकते हैं, अगर इसमें से कुछ कट करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इसके सारे फीचर्स बता दिए हैं।
शेडो भी लगा सकते हैं हम इसका। देखो जैसे रेड कलर का शेडो अगर रखना है तो रेड कलर का शेडो भी रख सकते हो, ब्लैक कलर का भी रख सकते हो, ब्लरनेस रख सकते हो, इसकी कितनी ब्लरनेस रखनी है। ऐसे कर सकते हो आप, है ना। डिग्री किस तरह डार्क रख रहा है इसे, है ना। शेडो रख लिया है ना। रेशियो आप रख सकते हो, रेशियो इसका कौन सा रखना है, फुल रखना है रेशियो या फिर कस्टम रखना है या फिर थ्री इंटू फोर रखना है, फोर इंटू थ्री रखना है, कोई सा भी रखना है आपको तो आप इसको कर सकते हो। 16:9 का रेशियो रखना है, यूट्यूब का रेशियो रखना है तो आप यूट्यूब के लिए भी रख सकते हो इसका। इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो आप, देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूट पपी, क्यूट पपी, तो यहाँ पे से क्या कर सकते हैं हम, एडिट कर सकते हैं, छड़ी वाले पर क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हैं। देखो आप ऐसे भी रख सकते हो इसको, पिघलता हुआ क्यूट पपी। यहाँ पे हमने क्यूट पपी लिख दिया, इसका कलर आप चूज कर सकते हो, रेड रख दिया मैंने, जैसे ये ऐसे रख सकते हो आप। देखो जैसे मैंने ये वाला रख दिया, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, ज़ॉम्बी टाइप लग रहा है थोड़ा सा ना। रेड वाला रख लेते हैं, देखो ये भी बढ़िया हो लग रहा है। इसको कैसा करना है, कैपिटल करना है तो आप कैपिटल भी कर सकते हो, बड़ा ऐसे इस तरह का भी रख सकते हो आप। कैपिटल रख लिया इसका, वो बदल सकते हो लाइन, इसमें भी शेडो डाल सकते हो आप। वर्ड स्पेस में रो स्पेसिंग ऐसे मतलब आप कर सकते हो, है ना। इसको अगर कॉपी करना है इसकी जैसा ये और रखना है तो यहाँ पे देखो आप ऐसे रख सकते हो, है ना। पूरा यहाँ पे आपका ये हो चुका है बैकग्राउंड इसका। अगर आपको कलर बैकग्राउंड रखना है तो ये देखो ऐसे रख सकते हो आप, कोई सा भी कलर लैंडस्केप। अगर देखो ये वाला रख देते हैं, चलो ये देखो पूरा आपका ये हो गया ऐसे, है ना, लग रहा है ना बढ़िया। अब स्टिकर भी लगा सकते हो इसमें, इसमें एक और फोटो भी ऐड कर सकते हो आप चाहो तो। इसमें आप एक और फोटो ऐड कर सकते हो, इसको भी आप एडिट कर सकते हो, है ना। कैची वाला साइन दबाओगे इसका भी, अभी बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। एक मिनट के लिए वेट करिए। फिलहाल उस फोटो की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन देखो अगर आपको इसका बैकग्राउंड जो है बदलना है, रोमांटिक रखना है या फिर क्रिसमस का रखना है, तो आप कोई सा भी रख सकते हो, इसका कलर रख सकते हो। और ऐसे रख दिया देखो,
जैसे देखो ये वाला रख लिया है ना, बढ़िया। तो इस तरह से आप अपने कैरेक्टर को किसी दूसरे फोटो में भी लगा सकते हो या फिर उसका बैकग्राउंड भी गायब कर सकते हो इस ऐप की मदद से, बैकग्राउंड इरेजर, बीजी इरेजर, है ना। जब आप इरेज कर लोगे तो आप यहाँ पे आप सेव का बटन देख सकते हो, दबा सकते हो इसे। यहाँ पे पूरा 100% सेव हो गया है। शेयर करना है इसे तो आप शेयर भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, या फिर फेसबुक पर, या फिर मैसेंजर पर, ट्विटर पर, किसी पर भी आप शेयर कर सकते हो इसे। तो देखो ऐसे आपका सारा फोटो जो है ये आपका एडिट हो जाएगा, है ना। दोस्तों अभी हमने सीख लिया है कि बैकग्राउंड इरेजर कैसे यूज़ कर सकते हो आप। आप भी अपने बैकग्राउंड्स को इरेज करो और उनकी जगह अगर आप किसी दूसरे बैकग्राउंड को लगाना चाहते हो तो दूसरे बैकग्राउंड को लगाओ, है ना, और मज़े करो दोस्तों। चलो यहीं पे आज का हमारा वीडियो स्टॉप हो गया है, ख़त्म हो गया है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।